instructor. My name is Anand Singh Lashan from District National Forest. Today is my topic, chemistry. Introduction about chemistry. What is chemistry? Chemistry deals with the composition and structure and properties of matter. हम जब केमिस्ट्री की बात करेंगे तो केमिस्ट्री में हम किसके बारे में पढ़ते हैं? मैटर के बारे में, कि भाई मैटर का स्ट्रक्चर क्या है, मैटर की कंपोजिशन क्या है, व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ मैटर, व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर एंड व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ मैटर. सो व्हाट डू यू मीन बाय मैटर? मैटर कैन क्लासिफाइड इनटू मिक्सचर एंड सब्सटेंस. मैटर को क्लासिफाई किया जाता है दो चीजों में, सब्सटेंस और मिक्सचर. मिक्सचर क्या है? सब्सटेंस हम किसे कहते हैं? मिक्सचर कैन आल्सो फर्दर क्लासिफाइड इनटू होमोजेनियस मिक्सचर एंड हेटेरोजेनियस मिक्सचर. सब्सटेंस कैन आल्सो फर्दर क्लासिफाइड इनटू कंपाउंड एंड एलिमेंट. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव डिस्कस हियर व्हाट इज मैटर. मैटर क्या है? हम पिछली क्लासेस में भी पढ़ते रहे हैं 6 and 8 कि भाई मैटर क्या है, मैटर की स्टेट्स कितनी हैं और मैटर क्या होता है. तो जो हमारे पास अगर हम केमिस्ट्री की बेसिकल बात करेंगे तो पहले हम बात करेंगे मैटर की. मैटर मींस एनीथिंग व्हिच हैज ऑक्यूपाइड स्पेस एंड कैरिंग वेट. ऐसी चीज जो वजन रखे और जिसमें वॉल्यूम हो तो उसे हम क्या कहते हैं? मैटर. जैसे मिसाल के तौर पे हमारे पास ये क्या है? डस्टर. अगर हम इसको मैं यहां पे रखता हूं तो देखेंगे भाई इसमें एक अपना क्या है, वजन भी है और ये एक अपना मखसूस वॉल्यूम भी क्या कर रहा है, ऑक्यूपाई. तो हम इसको क्या कहेंगे? मैटर. हमारी ये जो सारी दुनिया है, ये जो वर्ल्ड है, ये सारा किसका बना हुआ है? मैटर का. क्योंकि जो भी चीज हो हमारे पास उसमें वजन भी है और वो वॉल्यूम भी क्या करती है? ऑक्यूपाई. तो हम अगर मैटर की बात करेंगे तो मैटर क्या होता है? एनीथिंग व्हिच हैज ऑक्यूपाइड स्पेस एंड कैरिंग वेट. तो उसे हम कहेंगे मैटर. मैटर कैन बी क्लासिफाइड इनटू मिक्सचर एंड सब्सटेंस. मिक्सचर क्या है और सब्सटेंस क्या है? ये दोनों चीजें मैटर का क्या है? हिस्सा. तो जो मिक्सचर होता है, हम आमतौर पे अगर हम बात करते हैं कि भाई मिक्सचर की कोई भी हम अगर चीज उठा लें, अगर दो या दो से ज्यादा चीजों को हम फिजिकली क्या करते हैं? मिक्स. तो वो उसे हम क्या कहते हैं? मिक्सचर कहा जाता है. अगर हम सब्सटेंस की बात करें तो हम अक्सर करके ये टर्म यूज किया जाता है कि भाई सब्सटेंस, लेकिन केमिस्ट्री में इसका जो मतलब है, इसकी मीनिंग है ना, वो क्या है? बिल्कुल डिफरेंट है. वो कैसे? कि अगर हमारे पास कोई चीज है, खालिस चीज है, बिल्कुल प्योर, तो हम उस चीज को हम क्या कहेंगे? सब्सटेंस कहेंगे केमिस्ट्री की लैंग्वेज में. और ऐसी कोई भी चीज जो गैर खालिस हो उससे हम क्या कहेंगे बेटा? उसे कहा जाता है मिक्सचर. मींस कि हम कह सकते हैं कि द प्योर एनीथिंग व्हिच इज प्योर, ऐसी कोई भी चीज जो खालिस चीज हो, प्योर हो तो उसे हम क्या कहेंगे? सब्सटेंस. और ऐसी कोई भी चीज जो क्या हो? गैर खालिस का मतलब क्या होता है? ऐसी कोई भी चीज जब हम दो या दो से ज्यादा चीजों को क्या करते हैं? फिजिकली उनकी क्या करते हैं? मिक्सिंग. तो उनको उसको क्या कहा जाता है? मिक्सचर. मिसाल के तौर पे अगर यहां पे मैं एक बीकर बना देता हूं, ये है हमारे पास एक बीकर, इसमें हम वाटर फिल कर देते हैं. ये इसमें क्या है? हमारे पास क्या है? वाटर. अभी हम क्या करते हैं, इसमें हम ऐड कर लेते हैं साल्ट. इसमें हमने क्या ऐड कर दिया? साल्ट. तो ये जो हमारे पास एक चीज बन गई, इसे हम क्या कहेंगे? मिक्सचर. क्यों? क्योंकि
इसमें एक क्या है वाटर, दूसरा हमने क्या ऐड कर दिया साल्ट, तो ये क्या बन गया हमारे पास मिक्सचर। एक और यहाँ भी बात है, हम बात करते हैं कि हम पढ़ते हैं सॉल्यूशन के बारे में कि भाई सॉल्यूशन क्या है। हम कहते हैं कि सॉल्यूशन इज अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस थिंग्स, मींस के जो सॉल्यूशन होता है, सॉल्यूशन क्या होता है, दो या दो से ज्यादा चीजों का क्या होता है मिक्सचर। तो यहाँ पे देखें कि भाई यहाँ पे क्या है कि ये वाटर है और इस पानी में हम क्या ऐड कर रहे हैं साल्ट, तो ये हमारे पास ये है तो एक सॉल्यूशन, लेकिन सॉल्यूशन बेसिकली क्या होता है, ये एक मिक्सचर होता है दो या दो से ज्यादा चीजों का। यहाँ पे कितनी चीजें हैं बेटा, दो, एक वाटर और दूसरा क्या है, क्या हमने इसमें ऐड कर दिया साल्ट, तो ये क्या बन गया मिक्सचर बन गया। तो भी देखें पहले बात तो हम मिक्सचर पे आएंगे, मिक्सचर क्या है, उसके बाद मैं बात करूंगा सब्सटेंस की कि सब्सटेंस है क्या, सब्सटेंस का मतलब क्या है। अभी देखें कि हमारे पास जो, जैसे कि मैंने आपको बताया कि मिक्सचर क्या है, व्हेन टू आर मोर देन टू थिंग्स कंबाइन टुगेदर बाय फिजिकली विदाउट बाय फिक्स बाय मास रेशियो, अगर हम दो या दो से ज्यादा चीजों को मिक्स करते हैं बाय फिजिकली, उनका जो है मास जो है रेशियो जो है वो फिक्स ना हो, तो उसको हम क्या कहते हैं, मिक्सचर कहा जाता है। अगर हम मिक्सचर की बात करेंगे, एक होता है होमोजीनियस मिक्सचर, दूसरा होता है हेटरोजीनियस मिक्सचर। होमो का मतलब होता है सेम, होमो मींस सेम, यूनिफॉर्म। अभी देखो अगर मैं यहां पे बात करता हूं होमोजीनियस की, तो होमोजीनियस, होमो मींस सेम, जीनियस मींस मिक्सचर, डायनेमिक कंपोजिशन, ऐसा मिक्सचर जिसकी कंपोजिशन क्या हो सेम, तो उसे हम क्या कहते हैं होमोजीनियस मिक्सचर, मींस यूनिफॉर्म कंपोजिशन। जैसे अगर हम बात करें भाई यूनिफॉर्म की, अगर कोई भी बच्चे हमारे के क्लास में बैठे हुए हैं, हम अक्सर करके कहते हैं कि भाई आप यूनिफॉर्म पहन के आए, यूनिफॉर्म का मतलब क्या है, मींस के आप सब क्या हो एक जैसे लगे, आप एक ही ड्रेस में आए आप। ऐसे ही हमारे पास जो होमोजीनियस मिक्सचर होता है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये है कि ऐसा कोई भी मिक्सचर जिसकी कंपोजिशन चेंज ना हो। जैसे मिसाल के तौर पे यहाँ पे हमने बना दिया साल्ट को ऐड कर दिया किसमें, पानी में, तो ये क्या बन गया मिक्सचर। अगर आपसे पूछा जाए कि ये जो मिक्सचर है ये होमोजीनियस है या हेटरोजीनियस, अगर आपसे पूछा जाए कि ये जो आपके पास क्या कहते हैं कि ये जो मिक्सचर बना हुआ है साल्ट और वाटर का, तो इसे हम क्या कहेंगे, ये होमोजीनियस है या हेटरोजीनियस। अगर आप इसका एक ड्रॉप उठाएं, वन ड्रॉप, एक ड्रॉप इसका उठाएं और उसका टेस्ट लें, चाहे या कुछ देर के बाद ये जो नीचे वाला पानी है वो उठाएं, उसका आप टेस्ट लें, क्या उसका टेस्ट चेंज होगा, उसका टेस्ट चेंज जो है नहीं होगा। इसका मतलब क्या है कि इसकी जो कंपोजिशन है वो क्या है सेम, उसकी कंपोजिशन क्या है सेम। तो इस टाइप के मिक्सचर को हम क्या कहेंगे, होमोजीनियस मिक्सचर। अभी हम बात करेंगे बेटा व्हाट डू यू मीन बाय हेटरोजीनियस मिक्सचर, व्हाट डू यू मीन बाय हेट्रो। यहां पे हमने अगर बात की होमो की, कि भाई होमो का बेटा मतलब होता है सेम, जीनियस का मतलब होता है कंपोजिशन, ऐसा कोई भी मिक्सचर जिसकी कंपोजिशन क्या हो सेम। अगर यहाँ पे अगर हम हेटरोजीनियस की बात करेंगे, तो ये जो हेट्रो है, हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट, हेट्रो मींस हेट्रो, इसका मतलब होता है डिफरेंट। डिफरेंट इसका मतलब क्या है डिफरेंट, जीनियस मींस कंपोजिशन, मीन्स के ऐसा कोई भी मिक्सचर जिसकी जो है कंपोजिशन क्या हो डिफरेंट, तो उसे उस मिक्सचर को क्या कहा जाएगा हेटरोजीनियस मिक्सचर। अभी बात करेंगे हम कि भाई अगर आपसे कोई पूछे बेटा कि हेटरोजीनियस मिक्सचर का कोई आप मिसाल दें, इसका कोई एग्जांपल बताएं कि हेटरोजीनियस मिक्सचर कौन से हैं हमारे पास। अगर मैं बात करूं एयर की, एयर अगर यहां पर मैं एयर की बात करूंगा, तो जो एयर है
एयर। एयर क्या है? ये एक हेटरोजीनियस मिक्सचर है। हम इसे हेटरोजीनियस मिक्सचर क्यों कहते हैं? क्योंकि एयर इज कंपोज्ड ऑफ डिफरेंट गैसेस। एयर किसकी बनी हुई है? मुख्तलिफ गैसेस की। जैसे कि हमारे पास अगर मैं बात करूं नाइट्रोजन, एयर में कितने परसेंट है? 78%। 78% ऑक्सीजन कितने परसेंट है हमारी एयर में? 21%। और बाकी जो है इसमें क्या है? अदर गैसेस। अदर गैसेस हमारे पास इसमें क्या है? 1%। अभी देखें, ये जो हमारे पास यहां पे ये एयर है, अगर हम एयर की बात करेंगे बेटा, तो इसमें नाइट्रोजन का नाइट्रोजन कितने परसेंट है इसमें? 78। ऑक्सीजन कितने परसेंट है? 21। और जो अदर गैसेस हैं, दूसरी गैसेस हैं, वो क्या है? 1%। अगर मैं यहां पे बात करूं, क्या इन सब गैसेस का रेशियो एक जितना है? नहीं। नाइट्रोजन क्या है? 78%, बहुत ज्यादा क्वांटिटी में है नाइट्रोजन। और उसके बाद क्या है हमारे पास? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कितने परसेंट है इसमें? 21%। अगर हम अदर गैसेस की बात करें तो वो कितने परसेंट है? 1%। तो इसलिए इनका जो कंपोजिशन है वो जो है सेम नहीं है। तो हम एयर जो है ये हमारे पास किस टाइप का मिक्सचर है? हेटरोजीनियस मिक्सचर। उसके बाद हमने बात कर दी कि भाई मिक्सचर क्या है, मिक्सचर क्या होता है। मैं आपको दोबारा बता देता हूं कि अगर दो या दो से ज्यादा चीजों को हम फिजिकली कंबाइन करें तो उसको हम उससे क्या कहा जाता है? मिक्सचर कहा जाता है। और एक बात और कि मिक्सचर का कोई भी केमिकल फार्मूला नहीं होता। अगर आपसे पूछा जाए कि मिक्सचर मिल्क का आप कोई फार्मूला बताएं, बताएंगे? अगर आपसे पूछा जाए, मैं यहां पे लिख देता हूं कि भाई मिल्क इसका कोई केमिकल फार्मूला बताएं? नहीं। क्यों? मिक्सचर का क्यों नहीं होता कोई केमिकल फार्मूला? क्योंकि जो मिक्सचर में जो भी कंपोनेंट्स मौजूद होते हैं उनका रेशियो एक जितना नहीं होता, उनका रेशियो एक जितना नहीं होता। इसलिए जो हमारे पास मिक्सचर होता है उसका कोई भी केमिकल फार्मूला नहीं होता। क्या दूसरी बात, एक जो कोई भी हम मिक्सचर बनाते हैं उस मिक्सचर को हम अलग कर सकते हैं? अगर मैंने एक मिक्सचर बनाया है उसमें तीन से चार चीजें क्या कर दी है? मिक्स। तो क्या उनको मैं अलग कर सकता हूं? जी हाँ, ऐसे कुछ हमारे पास मेथड्स हैं, टेक्निक्स हैं, जिसके जरिए जो मिक्सचर के जो कंपोनेंट्स होते हैं उनको क्या किया जाता है? सेपरेट आउट, अलग किया जाता है। जैसे मिसाल के तौर पे मैं क्या करता हूँ, एक बीकर उठाता हूँ, उसमें पानी डाल देता हूँ और उसमें फिर मैं क्या करता हूँ, कुछ सेंड के पार्टिकल्स क्या कर देता हूँ, पानी में ऐड कर देता हूँ। तो जब मैं उसको फिर क्या करूंगा, स्टिर करूंगा वाटर को, तो स्टिर करने के बाद होगा क्या कि फिर एक मैं फिल्टर पेपर उठाऊंगा। जैसे हम घर में क्या करते हैं, चाय बनाते हैं, चाय बनाने के बाद हम उसे क्या करते हैं, एक हमारे पास होती है छन्नी होती है, उसके हम क्या करते हैं, जो हमारे पास जो पत्ती होती है वो ऊपर रह जाती है और हम चाय जो है, ऐसे ही जब हम उसको फिल्टर करेंगे तो फिल्टर करने से क्या होगा कि जो डस्ट के जो छोटे छोटे जो पार्टिकल्स होंगे जो सेंड के, वो उस फिल्टर पेपर पे रह जाएंगे और पानी क्या हो जाएगा उसमें से आउट। मीन्स के मेरे कहने का मतलब क्या है कि जो भी हमारे पास मिक्सचर होता है, मिक्सचर का कोई भी केमिकल फार्मूला नहीं होता। केमिकल फार्मूला इस वजह से नहीं होता क्योंकि मिक्सचर में जो भी कंपोनेंट्स मौजूद होते हैं, कंपोनेंट्स का मतलब क्या है, मींस कि जिन चीजों का मिक्सचर क्या है, बना हुआ है, तो वो क्या होते हैं, उनका जो रेशियो होता है वो फिक्स नहीं होता। इसलिए अगर आपसे कोई भी पूछे कभी भी कि भाई मिल्क का फार्मूला बताएं, या आपसे पूछा जाए कि एयर का फार्मूला बताएं, एयर का फार्मूला क्या है, तो अक्सर करके स्टूडेंट क्या हो जाते हैं, कंफ्यूज कि भाई मिल्क का फार्मूला बताएं या एयर का कोई फार्मूला पूछ लेता है। तो आपको जस्ट ये कहना है कि ये जस्ट क्या है, मिक्सचर का कोई केमिकल फार्मूला नहीं होता। और दूसरी बात ये, मिक्सचर
मिक्सचर की जो कंपोजिशन होती है वो क्या, हमारे पास जो भी चीजों जिन चीजों का वो बना हुआ होता है वो उनका रेशियो एक जैसा नहीं होता। अभी हम बात करेंगे, ये हमने मिक्सचर की बात कर ली कि भाई मिक्सचर क्या होता है, मिक्सचर के कितने टाइप्स में, होमोजीनियस मिक्सचर हो गया, हेटरोजीनियस, होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है, हेटरोजीनियस मिक्सचर क्या होता है जिसकी कंपोजिशन सेम ना हो। मिसाल के तौर पर मैंने एयर ले लिया, यहाँ पे हमने बीकर बनाया था, उसमें पानी डाला और उसमें साल्ट डाल दिया, तो इसको हमने स्टिर किया, तो ये हमारे पास जो मिक्सचर बना इसको हम क्या कहेंगे, होमोजीनियस। क्यों? क्योंकि इसकी कंपोजिशन क्या है, थ्रू आउट क्या है, सेम। अभी हम बात करेंगे बेटा सबस्टेंस की, के व्हाट डू यू मीन बाय सबस्टेंस, व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन मिक्सचर एंड सबस्टेंस, मिक्सचर और सबस्टेंस में डिफरेंस क्या है, सबस्टेंस है क्या, सबस्टेंस हम किसे कहते हैं। सबस्टेंस ये हो गया इम्प्योर सबस्टेंस, अगर आपके पास कोई भी इम्प्योर चीज है तो उसे हम क्या कहेंगे, मिक्सचर। और जो प्योर चीज है, कोई भी आपके पास खालिस चीज है तो उसे आप क्या कहेंगे, सबस्टेंस। सबस्टेंस को हम क्लासिफाई करते हैं दो चीजों में, एक हो गया आपके पास बेटा एलिमेंट, दूसरा हो गया कंपाउंड। ये हम 6, 7, 8 की जो जनरल साइंस है उसमें भी हम ये टर्म्स पढ़ते हैं तकरीबन, मैटर क्या है, एलिमेंट क्या है, कंपाउंड क्या है, यही चीजें हैं जो अभी हम रिवाइज कर रहे हैं। ये बेसिकली ये क्या है, इंट्रोडक्शन केमिस्ट्री का। अभी क्या है कि अगर मैं बात करूं एलिमेंट की और कंपाउंड की, तो एलिमेंट है क्या, एलिमेंट हम किसे कहते हैं, एनीथिंग व्हिच हैज ओन प्रॉपर्टी, एनीथिंग ऑन प्रॉपर्टी, ऐसी कोई भी चीज जिसकी एक अपनी क्या हो, प्रॉपर्टी हो, उसे क्या कहा जाता है, एलिमेंट कहा जाता है। अभी एलिमेंट बेसिकली होते क्या है, अगर हम यहाँ पे एलिमेंट की बात करेंगे तो जो एलिमेंट होते हैं, अगर मिसाल के तौर पे मैं लिख देता हूं यहाँ पे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, आयरन, नाइट्रोजन, ईटीसी वगैरह, ये जो भी है इनको हम क्या कहते हैं, एलिमेंट। हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन, आयरन, नाइट्रोजन, ईटीसी। अभी देखें कि अगर हम यहां पे मैं जब एलिमेंट की बात कर रहा हूं, तो अगर एलिमेंट जो है मींस के एक ही एटम्स का बना हुआ होता है, सेम टाइप एलिमेंट इज मेड अप ऑफ सेम टाइप ऑफ एटम्स, मीन सेम एटॉमिक नंबर एंड मास, बट एटम्स ऑफ वन एलिमेंट इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर। मिसाल के तौर पे अगर आपसे बेटा पूछा जाए कि ये है हाइड्रोजन, ये है ऑक्सीजन, एलिमेंट्स कब बनता है, जब एटम्स मिलते हैं। पर आपसे पूछा जाए कि इस हाइड्रोजन के एटम और इस ऑक्सीजन के, ये भी एलिमेंट है, ये भी क्या है, एलिमेंट, ये क्या एक जैसे है, नहीं। वो कैसे, क्योंकि इसकी साइज, मास और प्रॉपर्टीज वो बिल्कुल क्या है, डिफरेंट। जैसे अगर मैं बात करूं ये हाइड्रोजन है और ये क्या है, ऑक्सीजन। अभी हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या है, यहां पे मैं लिख देता हूं 1। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर क्या है, 8। अभी देखें कि ये कितने एटम से बन के मिला हुआ बना है, 1, और ये कितने एटम का बना हुआ है, 8। अभी तक देखें एटम, अगर हम एटम की बात करेंगे तो एटम के फंडामेंटल पार्टिकल कितने हैं, 3। एटम किसका बना हुआ है, अभी हम एलिमेंट की बात करेंगे तो एलिमेंट इज मेड अप ऑफ एटम्स, अगर हम एटम्स की बात करेंगे तो एटम्स किसके बने हुए हैं, एटम्स भी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये क्या है, 3 फंडामेंटल पार्टिकल है किसके, एटम्स के। अभी देखेंगे अगर मैं इसका स्ट्रक्चर ड्रा करूंगा तो इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, 1 इलेक्ट्रॉन है इसके पास हाइड्रोजन के पास, और एक ही क्या है इसमें,
प्रोटॉन और ये है न्यूट्रॉन। अगर यहाँ पे मैं ये हो गया आपके पास हाइड्रोजन का एटम, अगर मैं यहाँ पे ऑक्सीजन की बात करूंगा तो ऑक्सीजन के पहले शेयर में इलेक्ट्रॉन कितने होंगे 2, दूसरे शेयर में कितने होंगे 8। अभी देखें यहां पे अगर हम ना बात कर रहे हैं, ये जस्ट मैंने इसलिए ड्रा किए हैं क्योंकि जस्ट आपको पता होना चाहिए कि जैसे मैंने अभी बात की कि भाई एक एलिमेंट के एटम जो दूसरा एलिमेंट होता है उनसे एटम से क्या होते हैं अलग, मींस के एक एलिमेंट की प्रॉपर्टीज दूसरे एलिमेंट से क्या होती हैं डिफरेंट। वो कैसे डिफरेंट होती हैं, उनकी साइज, उनका मास, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज हो गई, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज हो गई वो क्या होती हैं बिल्कुल अलग अलग। अगर यहाँ पे मैं हाइड्रोजन की बात करूंगा तो यहाँ पे हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन है, इसमें न्यूट्रॉन नहीं होता हाइड्रोजन। अगर हम बात करेंगे यहाँ पे ऑक्सीजन की तो ये जो ऑक्सीजन है ऑक्सीजन के पास कितने, इसका एटॉमिक नंबर है 8, तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 2 ये और 6 ये, कितने हो गए 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। और इसमें प्रोटॉन में कितने हैं 8, न्यूट्रॉन में कितने हैं 8। देखिए कितना डिफरेंस है, इसमें एक प्रोटॉन, इसमें कितने प्रोटॉन है 8, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है 1, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है 8, इसमें न्यूट्रॉन जो है नहीं है बिल्कुल, इसमें न्यूट्रॉन कितने हैं 8। तो आप देखें कि ये जो एटम है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का ये जो क्या है तादाद जिसे हम कहें वो क्या है डिफरेंट, और इसकी साइज देखें इससे क्या है। ठीक है बेटा, अभी देखें, अभी ये बातें होगी, अभी देखेंगे ये हम पढ़ेंगे आगे चैप्टर है एटॉमिक स्ट्रक्चर एटम के बारे में, उसके बाद हम बात करेंगे कंपाउंड की कि कंपाउंड क्या है, व्हाट डू मीन बाय कंपाउंड, कंपाउंड कैसे बनता है। कंपाउंड अभी हम बात करेंगे कि कंपाउंड क्या है। अभी देखें कि बेटा अभी क्या है कंपाउंड, कंपाउंड है क्या, व्हेन टू आर मोर देन टू एटम्स कंबाइन केमिकली बाय फिक्स्ड रेशियो ऑफ मास इज कॉल्ड कंपाउंड। अगर हम बेटा कंपाउंड की बात करेंगे तो कंपाउंड है क्या, कंपाउंड कैसे बनता है, जब दो या दो से ज्यादा एटम्स को हम केमिकली क्या करते हैं कंबाइन, लेकिन अगर हम यहाँ पे बात करते हैं बाय फिक्स्ड रेशियो ऑफ मास, कंपाउंड की जो कंपोजिशन होती है वो क्या होती है फिक्स। लेकिन अगर हम पहले हमने बात की मिक्सचर की, जब हमने बात की थी तो जब मिक्सचर बनता है तो उसमें जब दो या दो से ज्यादा चीजें हम मिक्स करते हैं तो उनका जो रेशियो होता है वो फिक्स नहीं होता। लेकिन जब कंपाउंड की बात आएगी, जब हम कंपाउंड की बात करेंगे तो जब दो या दो से ज्यादा चीजों को हम मिक्स करेंगे तो उनका रेशियो क्या होगा फिक्स, उनका मास क्या होगा फिक्स, तो उसे हम क्या कहते हैं कंपाउंड। मिसाल के तौर पे यहाँ पे मैं इसका एक मिसाल ले लेता हूँ कंपाउंड का, जैसे हम कहते हैं कि भाई हमारे पास सोडियम और ये हो गया क्लोरीन,
ये हमें सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है और ये होता है गैसीय स्टेट में, इसलिए यहाँ पे मैंने लिख दिया एस, यहाँ पे लिख दिया जी। तो ये इसका मतलब क्या है कि सोडियम हमें किस स्टेट में मिलता है, एग्जिस्ट करता है सॉलिड स्टेट में, और ये हमें क्लोरीन जो है किस स्टेट में मिलती है, ये क्या है गैसीय स्टेट में एग्जिस्ट करती है। अभी देखिए जब हम इन दोनों चीजों को मिक्स करेंगे तो ये एक दूसरे से रिएक्शन करके क्या बना लेती है, एक NaCl। क्या बन गया ये सोडियम क्लोराइड, इसे हम क्या कहते हैं सोडियम क्लोराइड, या जिसे हम क्या कहते हैं कॉमन साल्ट। सोडियम क्लोराइड आप कॉमन साल्ट कहा जाता है ऐसे, या इसे टेबल साल्ट कहा जाता है। अभी देखिए बेटा कि ये यहां पे ये जो एक नई चीज बन गई, ये क्या था हमारे पास सोडियम सॉलिड स्टेट में था और ये क्लोरीन कौन से स्टेट में थी, गैसीय स्टेट में। जब हमने इन दोनों चीजों को केमिकल मिक्स किया तो उन लोगों ने केमिकल रिएक्शन करके एक क्या बना लिया, एक नई चीज बन गई हमारे पास। वो नई चीज कौन सी थी, वो था क्या सोडियम क्लोराइड। अब ये जो सोडियम क्लोराइड है इसे हम क्या कहेंगे, ये क्या है कंपाउंड, ये क्या है कंपाउंड। अभी देखें अभी मैं यहां पे बात करूंगा फिक्स्ड रेशियो ऑफ मास की, फिक्स्ड रेशियो ऑफ मास। तो यहां पे आप देखेंगे कि ये जो सोडियम है इसके कितने एटम है वन, और यहां पे ये जो क्लोरीन है इसका भी रेशियो क्या है, इसके कितने एटम्स हैं वन, मींस के वन रेशियो वन। सोडियम का भी एक एटम, यहां पे क्लोरीन का भी एक एटम। ये जब दोनों केमिकली कंबाइन होके एक न्यू सब्सटेंस बनाते हैं, एक नई चीज बन जाती है। तो अगर हम यहां पे देखें क्या सोडियम के दो एटम हो गए हैं या तीन हो गए हैं, या वही सेम जो एक यहां पे था वही है यहां पे। देखें यहां पे अगर मैं सोडियम की बात करूंगा तो यहां पे अगर कुछ नहीं है तो यहां पे सोडियम के कितने एटम है हमारे पास, एक। क्लोरीन के भी कितने एटम है हमारे पास बेटा, यहाँ पे देखिए वन। देखिए इनका जो रेशियो है, जो इनकी कंपोजिशन है वो क्या है सेम। यहाँ पे भी सोडियम का एक एटम था, यहाँ पे भी सोडियम का एक एटम। यहाँ पे क्लोरीन के कितने एटम थे, एक। यहाँ पे क्लोरीन के कितने एटम थे, एक। अभी तक देखिए अगर आपसे पूछा जाए कि भाई जो कंपाउंड होता है, कंपाउंड का फिक्स रेशियो होता है, फिक्स मास होता है, वो अभी आपको पता पड़ गया यहाँ से कि भाई ये क्या है सोडियम, ये क्या है क्लोरीन। अगर इनको हमने रिएक्शन कराया क्या बन गया सोडियम क्लोराइड, एक नई चीज बन गई। लेकिन यहाँ पे सोडियम के कितने एटम है, एक। यहाँ पे सोडियम के कितने एटम है, यहाँ एक। यहाँ से क्लियर होता है कि भाई जो भी हमारे पास जब कंपाउंड बनता है तो कंपाउंड की जो कंपोजिशन होती है, जो रेशियो होता है वो क्या होता है सेम, वो क्या होता है फिक्स्ड। अगर मैं यहां पे हाइड्रोजन और ये बेटा हमारे पास क्या है ऑक्सीजन, ये हमें कौन सी स्टेट में मिलती है गैसीय स्टेट में, हाइड्रोजन ये ऑक्सीजन कौन सी स्टेट में मिलती है गैसीय स्टेट में। तो अभी देखें कि यहां पे जो है क्या बन जाएगा H2। अभी देखें अक्सर ये क्या बन गया, ये हमें कौन से फॉर्म में मिलता है, लिक्विड फॉर्म में होता है ना पानी। हाइड्रोजन गैसेस फॉर्म में थी, इसको हमने मिक्स किया कंबाइन किया ऑक्सीजन के साथ, तो यहाँ पे हमारे पास एक नई चीज बन गई। ये दोनों क्या थी गैसेस, जब हमने इनको मिक्स किया तो एक न्यू सब्सटेंस बन गया। जो न्यू सब्सटेंस बना वो क्या है लिक्विड। अगर अभी देखें यहाँ पे इनकी कंपोजिशन देखी जाए तो अभी ये जो है हाइड्रोजन के यहाँ पे हाइड्रोजन का रेशियो यहाँ पे कितना है दो, ऑक्सीजन का यहाँ पे रेशियो क्या है सॉरी हाइड्रोजन यहाँ पे भी वन और यहाँ पे ऑक्सीजन भी क्या है वन। अभी देखें अगर हम यहाँ पे बात करेंगे तो ये क्या है सबस्क्रिप्ट, और यहाँ पे देखें कुछ नहीं है तो यहाँ पे हम क्या अंडरस्टूड करेंगे कि यहाँ पे क्या है वन। हाइड्रोजन के यहाँ पे कितने एटम है वन, यहाँ पे ऑक्सीजन के भी कितने एटम है बेटा वन। अभी देखें अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो कंपोजिशन है थ्रू आउट, यहाँ पे हाइड्रोजन वन, यहाँ पे ऑक्सीजन वन, यहाँ पे ये जो एक नई चीज बन गई वाटर बन गया, तो वहां पे भी आप हाइड्रोजन के कितने यहाँ पे वन और ऑक्सीजन के कितने यहाँ पे वन, तो इनकी कंपोजिशन क्या होती है कंपाउंड की सेम। अगर आपसे पूछा जाए कि भैया पानी का वाटर का केमिकल फार्मूला बताएं,
वाटर का केमिकल फार्मूला क्या है, तो हम कहते हैं H2O। अगर आपसे पूछा जाए कि सोडियम क्लोराइड का कोई फार्मूला बताएं, तो आप बताते हैं NaCl। अभी देखें, अगर आपसे पूछा जाए कि डिफरेंस क्या है इन दो इस कंपाउंड और इस मिक्सचर में, व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड एंड मिक्सचर। पहली बात तो ये कि जो मिक्सचर बनता है, जो भी कंपोनेंट्स होते हैं मिक्सचर के, जिन चीजों से वो बना हुआ होता है, उनकी कंपोजिशन एक जैसी नहीं होती। अगर कंपाउंड की बात करेंगे तो उनकी कंपोजिशन क्या होती है, एक जैसी। नंबर टू पॉइंट ये है कि जो मिक्सचर होता है उसका कोई भी केमिकल फार्मूला नहीं होता, लेकिन जो हमारे पास कंपाउंड होता है उसका क्या होता है, एक मखसूस है, फिक्स क्या होता है, केमिकल क्या होता है, फार्मूला होता है। तीसरी बात ये कि ये जो मिक्सचर होता है वो क्या होता है, ये एक फिजिकल, फिजिकल क्या होती है, मिक्सिंग होती है। ये क्या होती है बेटा, फिजिकल मिक्सिंग। जब हम दो या दो से ज्यादा चीजों को फिजिकली मिक्स करते हैं तो जो चीज बनती है उसे हम क्या कहते हैं, मिक्सचर। लेकिन ये फिजिकली हम इन दो चीजों को मिक्स नहीं करते, ये क्या होता है, केमिकली। हम क्या करते हैं, दो केमिकल्स को जब एक दूसरे के साथ मिक्स करते हैं तो क्या बन जाता है हमारे पास, कंपाउंड। मिक्सचर के कंपोनेंट्स को इजीली क्या कर, इजीली हम क्या कर सकते हैं, सेपरेट आउट, अलग कर सकते हैं। लेकिन जो हम आपके पास जो बेटा कंपाउंड, कंपाउंड जिन चीजों का बना हुआ होता है उन कंपोनेंट्स को हम इजीली सेपरेट आउट नहीं कर सकते। मीन्स के जो मिक्सचर है उनको बिल्कुल इजीली आसान तरीके हैं कुछ जिनके तहत हम क्या कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं। लेकिन कंपाउंड जो है इतना इजीली उनके जो कंपोनेंट्स होते हैं उनको सेपरेट आउट। अभी देखें, आज हमने बात की कि भाई केमिस्ट्री बेसिकली होती क्या है, द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट मैटर। मैटर के बारे में स्टडी करते हैं, क्या मैटर की स्टडी अबाउट द प्रॉपर्टीज स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन ऑफ मैटर। मैटर की प्रॉपर्टीज क्या है, मैटर का स्ट्रक्चर क्या है, मैटर किन चीजों का बना हुआ है, तो इनके बारे में जो स्टडी करते हैं उसको क्या, उसे हम क्या कहते हैं, केमिस्ट्री कहते हैं। और आज हमने पढ़ा कि मैटर क्लासिफाई किया जाता है मिक्सचर और सबस्टेंस में। मिक्सचर को हम फर्दर क्लासिफाई करते हैं होमोजेनियस मिक्सचर और हेटेरोजेनियस मिक्सचर में, और जो सबस्टेंस होता है उसको क्लासिफाई किया जाता है कंपाउंड और एलिमेंट में। मैंने आपको बताया कि भाई होमोजेनियस मिक्सचर क्या होता है बेटा, हेटेरोजेनियस क्या होता है, कंपाउंड कैसे बनता है, एलिमेंट क्या है, जस्ट थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। और उसके बाद हमने बात की कि भाई जो कंपाउंड और मिक्सचर में डिफरेंस क्या है। कल हम बात करेंगे कि भाई केमिस्ट्री है क्या और उसकी कुछ ब्रांचेस, केमिस्ट्री की ब्रांचेस के बारे में मैं आपको कल बताऊंगा कि केमिस्ट्री है क्या और उसकी ब्रांचेस कौन कौन सी ब्रांचेस हैं, और वो उनको हम थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे, डिफाइन करेंगे।